हेलो हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज सीएससी के पोर्टल से बहुत ही बड़ी अपडेट दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप में बहुत ही बड़ी अपडेट आया हुआ है ई श्रम कार्ड को लेकर के। फ्रेंड्स दोस्तों, हम आपसे बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गर्सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सीएससी। फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बहुत ही ऐसे वीली बाइक के लिए बहुत ही अच्छे सर्विस लेकर के आए हैं और उसमें वो लेटर गवर्नमेंट की तरफ से इशू भी कर दिया गया है जिसमें अच्छा खासा अर्निंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम आपको आज बताएंगे कि हमारे ज़िले में जो बिहार में है जो शिविर लगा करके ई श्रम कार्ड बनाने का जो है आदेश निकल चुका हुआ है और जिला लेवल से भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी निकाला गया हुआ है और प्रत्येक ब्लॉक में से आपको लगाना है और कैंप लगा करके ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना है, वो हम आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो वो जो रिलेशन क्या है दोस्तों और वो लेटर क्या है, जो लेटर हम लोगों को मिला हुआ है ई श्रम कार्ड का, जो कैंप लगा करके ई श्रम कार्ड बनाना है और पर कार्ड पे हम लोग को सीएससी की तरह से 20 रुपये मिलेगा। चलिए वो हम आपको दिखलाते हैं और कैसे इस पर थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करना है इस सारा चीज़ के बारे में हम आपको बता देंगे। फिर जब है तो चलिए हम आपको वो न्यूज लेटर दिखाते हैं, वो चिट्ठी दिखलाते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है और उसी के आधार पर आप प्रत्येक VLE को प्रत्येक पंचायत में अपने सेंटर पर कैंप लगा करके काम उनको ई श्रम कार्ड का काम करना है। फिर जब फ्रेंड चलिए हम आपको वो लेटर दिखलाते हैं और उस लेटर में क्या लिखा हुआ इस चीज़ के बारे में आपको समझाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो लेटर आ गया हुआ है, यहाँ पे हम आपको दिखला दें जो लेटर VLE को मिला हुआ है और प्रत्येक पंचायत में काम जो करना है इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। वो लेटर ये आप देख सकते हैं, श्रम अधीक्षक पूर्वी चंपारण, प्रतांक दिनांक 751, सीतामढ़ी दिनांक 13/9/2021, सब निकास एवं प्राधिकारी श्रम अधीक्षक कार्यालय सीतामढ़ी, सेवा में सर सभी श्रम प्रवर्तन प्राधिकारी सीतामढ़ी, विषय ई श्रम पोर्टल, श्रम पोर्टल टी प्रासंगिक श्रमिकों को निबंधन एवं दिनांक 17/9/2021 से आगामी 1 माह तक निबंधन है तो विशेष अभियान चलाने के संबंध में महा से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा SUMO राइट पेटेशन सिविल नंबर 6/2020 तथा CLPS नेशनल 2020 दिए गए निर्णय के आलोक में श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए निबंधन हेतु ई श्रम पोर्टल.gov.in का निर्माण NIC के सहयोग से किया गया। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को किया जाना है ताकि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हम आपको नीचे दिखा दें तो इसमें और भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सभी चीज़ एकदम स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार हो रहा है, जैसे कि इस पोर्टल पर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का निबंधन किया जाना है, यानी कि जितने भी भारत में श्रमिक है, काम कार्य आदमी है जो काम करते हैं कंपनी में स्तर जो भी स्तर से वो काम करते हैं वो सब एक डेटाबेस तैयार हो सके। इस पाठ का शुभारंभ दिनांक 26/8/2021 को माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं और कैसे करना है इस चीज़ के बारे में इसमें दर्शाया गया है, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे हम आपको दिखा दें। वैसे श्रमिक जो ESI अथवा EPFO के दायरे में नहीं आते हैं एवं असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं वैसे श्रमिक का निबंधन ई श्रम पोर्टल पर किया जाना है। जैसे कृषि कार्यालय में संलग्न होटल, रेस्टोरेंट, पोल्ट्री फार्म, डेयरी, मोटर ट्रांसपोर्ट, निजी सुरक्षा, घरेलू कामगार, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, निर्माण क्षेत्र इत्यादि में काम करने वाले श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर संगठित श्रमिकों का निबंधन मुख्यतः CSC के माध्यम से किया जाना है या फिर जिसके लिए CSC को भारत सरकार के द्वारा प्रति निबंधन ₹20 की दर से भुगतान किया जाएगा। CSC के द्वारा संगठित श्रमिकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे आपको बता दें कि यदि एक भी पैसा आप CSC सेंटर पर लेते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है, पकड़े जाते हैं तो ऐसा काम नहीं करना है। संगठित श्रम स्वयं इस पोर्टल पर निबंधन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रम अधीक्षक एवं सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को भी लॉगिन ID सीट मुख्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा जिसके माध्यम से वो भी संगठित असंगठित श्रमिकों का निबंधन कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक ऑफिसर को भी जाने की जो ब्लॉक लेवल पे है, जिला लेवल पर सबको भी अधीक्षक को भी एक ID पासवर्ड दे दिया जाएगा ताकि उन लोगों को भी इस निबंधन करने में कोई तरह की परेशानी ना हो। और कैसे करना है वो सारा चीज इस पोर्टल के माध्यम से दिखाया गया फ्रेंड। यहाँ फ्रेंड तो चलिए हम आपको यहाँ भी थोड़ा बहुत दिखला दें। इस श्रम पोर्टल पर निबंधन है तो जिला स्तर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला स्तर से विशेष अभियान भी चलाया जाएगा जो कि दिनांक 17/9/2021 से दिनांक 16/10
किस तक इस श्रम पोर्टल पर निबंध है तो जिला भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा, यानी कि इसका अभियान जो है बहुत जोर शोर से चलाया जाना है दोस्तों। तो दिनांक 17/9/2020 को सभी प्रखंडों के किन्हीं एक CSC केंद्र पर श्रम परिवर्तन पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा अभियान से संबंधित विशेष बैनर केंद्र पर लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु CSC केंद्र के संस्थापक के द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। चयनित CSC केंद्र के नाम एवं पते की जानकारी संबंधित श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के द्वारा श्रम अधीक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा तथा श्रम अधीक्षक इसकी सूचना विभाग को 15/9/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि कह रहा है कि प्रखंड में किसी एक CSC वैली को तो कि जैसा कि फ्रेंड हमने बताया इस लेटर के हिसाब से नोटर के हिसाब से कि इसमें जो भी है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं भीली भाई को कैंप लगा करके इस श्रम पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, कार्ड बनाना है। और यहाँ पे हम आपको बता दें 17/9/2021 को सभी प्रखंड के किन्हीं MSX तो फ्रेंड्स यहाँ पे जानकारी हम आपको दे दें कि VLE को जो है ना कैंप लगाकर श्रम कार्ड बनाना है। यहाँ दिनांक इतने दिखाई दे सुनिश्चित देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक ही CSC केंद्र पर श्रम परिवर्तन पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा अभियान से संबंधित विशेष बैनर केंद्र पर लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य हेतु CSC केंद्र के संस्थापक के द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। चयनित CSC केंद्र के नाम एवं पते की जानकारी संबंधित श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के द्वारा श्रम अधीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा तथा श्रम अधीक्षक इसकी सूचना विभाग को 15/9/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस श्रम पोर्टल से संबंधित सभी जानकारी विभागीय स्तर पर निर्मित व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी। ये सभी श्रम परिवर्तन पदाधिकारी ग्रुप के सदस्य भी होंगे और ये सदस्य निबंधन की प्रगति और स्वेच्छा से विभागीय वरीय अधिकारियों को अवगत कराए जाएंगे। सभी श्रम परिवर्तन पदाधिकारी दिनांक 17/9/2021 को CSC केंद्र पर भरे हुए निबंधन का वीडियो सुनिश्चित इसे सर्वोच्च प्राथमिकता यानी कि वीडियो भी करना है और ग्रुप में डालना है। फ्रेंड जी हाँ फ्रेंड, तो इसमें हम आपको बता दें फ्रेंड यहाँ पे जो है प्रत्येक VLE को जो है कुछ ऐसे VLE चिन्हित करेंगे जो ऊपर से आदेश आएगा, उन VLE का नाम CSC के द्वारा जिला निबंधन पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा और वहाँ पर जो है उसके द्वारा कैंप लगा करके काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, कम से कम पूरा वीडियो आप देखिए तभी जाकर कि इसमें आप पूरा समझ सकते हैं। फ्रेंड तो श्रम पोर्टल पे कोई परेशानी नहीं है, काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम आपको थोड़ा कुछ और बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा निबंधन है कि प्रत्येक प्रखंड में जिला स्तर पर पंचायत स्तर पर जो है सभी का कैंप लगा करके श्रम कार्ड बनाना है। फ्रेंड जी हाँ फ्रेंड, प्रत्येक अथी में श्रम कार्ड बनाना है, कैंप लगा करके बनाना है। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज आपसे गुजारिश करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये इन चीज़ों का वो इनको पता चल सके और अपने पंचायत में कैंप लगा करके काम कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड, तो हम आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दें दोस्तों, श्रम विभाग का जो सर्विस है यहाँ पे जो देखते हैं, जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आप कोई यहाँ पे जो ऑप्शन आता है पहले मोबाइल नंबर का, जो इसमें से आप कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, इसमें कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल करके उनको OTP गिरा करके उसके बाद आप उनका बायोमेट्रिक KYC करके आप श्रम कार्ड बना सकते हैं दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, तो आशा करते हैं इतना ही करके हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। तो आपको ये भी थोड़ा लास्ट में और दिखला दें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये लेटर निकला हुआ है सभी VLE के लिए अनिवार्य है, वो प्रत्येक अपने स्तर पे पंचायत में कैंप लगा करके श्रमिक कार्ड सभी को बनाना है और उसके दर से 20 रुपये के दर से गवर्नमेंट के तरफ से CSC VLE को दिया जाएगा फ्रेंड। या फ्रेंड, तो इतना ही आज के वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। जी फ्रेंड, तो इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेकर के आते रहते हैं और बना करके देते हैं, दिखाते रहते हैं और सूचना देते रहते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इतने के लिए जय हिंद जय भारत।